हमारे यहां विष्णु पुराण में कहा गया है, ये किसी भाजपा वाले ने नहीं लिखा है, विष्णु पुराण में कहा गया है, उत्तरम यत् समुदस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति ही। यानी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उनकी संतानों को भारती कहते हैं। विष्णु पुराण का ये श्लोक अगर कांग्रेस के लोगों को स्वीकार्य नहीं है तो मैं एक और कोट इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि कुछ चीजों से आपको एलर्जी हो सकती है। मैं कोट कह रहा हूं, एक क्षण आता है मगर इतिहास में विरल ही आता है जब हम पुराने से बाहर निकलकर नए युग में कदम रखते हैं। जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। ये भी नेहरू जी के ही बोल है। आखिर किस नेशन की बात नेहरू जी कर रहे थे जी? ये नेहरू जी कह रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष जी, यहां तमिल सेंटिमेंट को आग लगाने की भारी कोशिश की गई, राजनीति के लिए कांग्रेस की जो परंपरा अंग्रेजों के विरासत में आई दिखती है, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो। लेकिन मैं आज तमिल भाषा के महाकवि, माननीय अध्यक्ष जी, तमिल भाषा के महाकवि और स्वतंत्र सेनानी आदरणीय सुब्रमण्यम भारती ने जो लिखा था, मैं यहां दोहराना चाहता हूं। तमिल भाषी लोग मुझे क्षमा करें मेरे उच्चारों में कोई गलती हो तो, लेकिन मेरा आदर और मेरी भावना में कोई कमी नहीं है। सुब्रमण्यम भारती जी ने कहा था, मन्नुम इमय मलय एंगल मलय पन्नरुम उपनिट नुलेंगल दुले पार मिसे एधोरु नुल इधु पोले पोन निलोर भारत नांडेगल नाडे पोड रुओम इक्ते इमक किलेडे। इसका भावार्थ जो उपलब्ध है वो इस तरह का है, सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं जो उन्होंने तमिल भाषा में कहा है उसको मैं अनुवाद, जो भाव मुझे उपलब्ध हुआ है मैं कह रहा हूं। सम्मानित जो सकल विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है, महिमा जिनकी बहुत रही है, अमर ग्रंथ से वे सभी हमारे, अमर ग्रंथ वे सभी हमारे, उपनिषदों का देश यही है। सुब्रमण्यम भारती कह रहे हैं, गाएंगे यत हम सब इसका, यह है स्वर्णिम देश हमारा, यह है स्वर्णिम देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, यह है भारत देश हमारा। ये सुब्रमण्यम भारती जी की कविता का भाव है।